पूछता है कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है? रे बबुआ, इतना टाइम है, अपना शक्ल देखने को है ये नहीं है। हमारी इंगेजमेंट हो गई है बाबू, पिछले 2 साल पहले, समझ में आ गया। और जिनकी गर्लफ्रेंड होती है ना बाबू, वो कभी भी इतना आगे नहीं जा पाते हैं कि इंडिया लेवल तक अपनी पहचान बना लेते हैं। 26 साल एज है मेरी, 26 साल में आदमी गर्लफ्रेंड घुमाता ना तो आज अपने मोहल्ले गली तक में ही रह जाते। आज इंडिया में लोग, पता है आपको, नरेंद्र मोदी के मंत्रालय से कॉल आया और कहें कि क्या चीज़ वहाँ पे थिंक टैंक, उनका नाम पता नहीं क्या अग्रवाल था, कि सर हम किसानों के लिए बहुत अच्छा विधेयक लाए हैं, लेकिन मेरी बात किसान मानिए नहीं रहे, आप प्लीज़ एक हमारी ओर से वीडियो बना दीजिए। तो हम उनसे बोले हैं कि आप अपना आर्गूमेंट लिख के भेजिए, हम वीडियो बना देंगे, समझ में आ गया ना। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पर नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो, ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सभी सब हराइए ये सब चीज़ों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीज़ें फालतू होती हैं, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तब ही कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा, तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी, आप भी अपने क्षेत्र में मकाम हासिल करेंगे। समझ में आएगी नहीं आएगा, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, वो क्या कहना चाहता है वो सुनिए। क्या अगर केवल कृष्ण भगवान गोपियों के साथ घूमते रहते वृंदावन में तो कोई उनको भगवान कहता? नहीं, लेकिन उन्होंने उसके बाद इतना जीवन शुरू किया कि लोग उनके महानता को देखकर, उन्होंने जो बचपन में बदमाशियां किया था, उन्हें लोग आज हंसी के पात्र मनाते हैं, उन्हें कोई गलत नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब गलत चीज है। एक लड़का कह रहा था सर कि भीमराव अंबेडकर ने एक घंटे में पूरा संविधान बता दिया था। हम उसको बैठाए, बैठ तोरा बैठे, हम ओकरा हम 18 मिनट में पूरा संविधान बता दें। वो पढ़ने नहीं आया था पटना, जब ये ऑफ सेंटर की बात थी, पढ़ने नहीं आया था, ऐसे मतलब मोहल्ले का ही रहने वाला था, लोकल लड़का था। तो ऐसे नहीं, कभी कभी हम लोग बैठे रहते हैं तो आके ऐसे मुलाकात कर रहा था। उसके बाद वो कहा कि सर हमको भी पढ़ना है, वो भी एडमिशन ले लिया, लेकिन उसको पूरा नहीं याद हुआ। रीजन समझिए क्या होता है कि आप कितना दिल से समर्पित हैं। आप जब तक नहीं चाहिएगा दिल से, तो कोई आपका नहीं हो सकता है। आप सपोज कीजिए आप किसी लड़की को दिल से नहीं चाहिएगा, कहेगा तो रही से चाहिए, तो वो नहीं समझ जाएगी लड़कियाँ कि हमको दिल से नहीं चाहता है। कभी आपको भाव देगी? नहीं देगी, सब समझदार होता है। और कोई लड़की किसी लड़का को ऐसे कहती है कि एक लगे मोटरसाइकिल, एक फंसा लेंगे तो घूमने को मिलेगा, लेकिन उसको दिल से नहीं चाहेगी, तो लड़कवा नहीं समझ जाएगा कि हमको दिल से नहीं चाहती है, वो भी उसको भाव नहीं देगा। उसी तरह आप अपनी शिक्षा को, पढ़ाई को, चाहे वो पॉलिटी हो, मैथ हो, अगर दिल से नहीं चाहते हैं ना, तो वो भी समझ जाता है कि साला टाइम पास करना चाहता है, फिर वो आपका नहीं होगा। अरे दिल से चाहो, दिल से दुनिया का कुछ भी मिल सकता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, या शिक्षा हो। समझ में आ गया कि नहीं? और आधा लड़कों का दिल टूट गया है, लड़की छोड़ के चल गया। अरे भाड़ में जा साली, लड़की छोड़ के चल गई है तो क्या हो गया? लड़की ऑक्सीजन थोड़े है कि चल जाएगी तो मर जाओगे। हद है,